कस्बा चौमुआ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भक्ति वेदांत कौशल विकास केंद्र इकाई आजही ने नौकरी एवं निजी व्यवसाय स्थापित करने के लिए कौशल हाथ रोजगार साथ की कार्यशाला का आयोजन कस्बा के तकिया मैदान में किया। इस दौरान गुरुकुल के पीयूष सहगल ने कौशल विकास के तहत भक्ति वेदांत गुरुकुल मार्ग आजही में निःशुल्क दिए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि आज ब्रजधाम में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। युवा रोजगार न मिलने से गलत रास्तों पर जा रहे हैं। इनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास योजना के तहत जैविक उत्पादक, डेयरी किसान, उद्यमी, डाटा एंटी ऑपरेटर, फिटर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, सेल्स प्रोफेशनल, पेंटर और डेकोरेटर, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि युवा अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इसमें सरकार द्वारा 500 से 1500 रुपए तक प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, साथ ही अंग्रेजी बोलने का ज्ञान भी कराया जाएगा। सरकार द्वारा प्रमाण पत्र एवं स्किल कार्ड की भी व्यवस्था की गई है। इन प्रशिक्षणों को प्राप्त करने के बाद नौकरी या निजी व्यवसाय के स्वर्ण अवसर मिलने की अधिक संभावना है। इस मौके पर लीला पुरुषोत्तम, संतोष कुमार, सुधीर कुमार, रूपा, मनोहर कुमार, विजय कुमार, विवेक शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। चौमुआ से सौरभ सिसोदिया के साथ कृष्णा सिसोदिया की रिपोर्ट। सर, आज आपने यहाँ क्या प्रोग्राम रखा है? हम कोशिश कर रहे हैं, इस्कॉन बहुत सालों से ग्रामीण विकास पे काम कर रहा है, तो हमारा नया कैंपस गुरुकुल यहाँ पे आने वाला है, जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। उस गुरुकुल के यहाँ पे आज ही में आते ही हमने ये सोचा है कि अगर हम यहाँ पे इन गाँव वालों के साथ संबंध बना ही रहे हैं तो कुछ ऐसा करें कि पूरे के पूरे गाँव का आर्थिक विकास हो। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम अगले कुछ महीनों में यहाँ से 700 से अधिक लोगों को चुनेंगे और उनको 7 डिफरेंट फील्ड्स में ट्रेन करेंगे, और ट्रेन करने के बाद इन सबको हम उन सब जो भी चीज़ों में वो ट्रेन होते हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, या तो निजी व्यवसाय के तौर पर या रोज़गार के तौर पर। और ये सब लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, ब्रज जो एक धाम था, जो अब उसमें बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें होने लगी हैं जो एक धाम को शोभा नहीं देती, हम चाहते हैं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, यहाँ पे वापस जो गाय के प्रति एक सम्मान हो, और हर जो किसान है, जो हमारे युवा हैं, वो गलत रास्ते जाने के बजाय अच्छा रास्ता पकड़ें, एक अच्छा रोज़गार पकड़ें, अच्छे से शिक्षित हों, और आगे जाके ब्रज के विकास में हम सब लोग साथ में कुछ एक बहुत बड़ा एक सहयोग कर सकें।